अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूबरनेटीज इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन क्यूबरनेटीज डे 5। तो डे 1 to 4 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। डे 1 to 4 में बेसिकली हम लोग ने पॉड से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते थे या पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी पॉड से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया और हम लोगों ने उसके बारे में जाना भी, पढ़ा भी। जिन लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है, और देन अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं देखा और उन्हें इंटरव्यू देना है और उन्हें पॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानना है, तो वो मेरी वो वाली प्ले वीडियो को बेसिकली देख सकते हैं, 1 to 4 वाली, ठीक है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया भी है आपको, तो आप समझ कर खुद से भी अपनी जवाब को अपने अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। डे 5 की जो भी टॉपिक्स है वो सारी चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आज डे 5 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, ठीक है। और बेसिकली चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं आज क्या है, 2024 है और आज हैप्पी न्यू ईयर है। सो फ्रॉम माय साइड आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर चलिए आज है, हम लोग मना ही रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो क्यों ना मैं ना एक कुछ लिखी थी, तो चलिए वो पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, देन फिर ये वाला स्टार्ट करूंगी, ठीक है। लिखी ये थी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो यार प्लीज अप्रिशिएट करना, ना आए तो यार देख लेना थोड़ा प्लीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुजरे हुए वक्त पर गम ना करो, गुजरे हुए वक्त पर गम ना करो, ठीक है। गुजरे हुए वक्त से जो तुमने सीखा, गुजरे हुए वक्त से जो तुमने सीखा, आने वाले वक्त पर उस चीज का अमल करो। आई नो कि ये थोड़ा पता नहीं कैसा हुआ है, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना। चलिए बातें बहुत हो गई, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, वरना आप लोग भी कहोगे कि ये कहाँ फंस गई है। चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए क्यूबरनेटीज डिप्लॉयमेंट एंड व्हाई इट इज यूज्ड, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे लिखा कि ए क्यूबरनेटीज डिप्लॉयमेंट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर योर एप्लीकेशंस, इट्स यूज्ड टू मेक श्योर योर एप्लीकेशंस रन स्मूथली एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग इट फिक्स्ड इट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहले कि जैसा कि अगर हम लोग इसको समझें तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो जैसा आपके घर में आपका घर का कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही ये आपके एप्लीकेशंस का एक प्लान है, ठीक है। और क्यों इस्तेमाल होता है ये, तो इसका काम है ये इंश्योर करना कि आपका एप्लीकेशन सही तरह से चले और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो खुद ही ठीक करते, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन ए डिप्लॉयमेंट एंड अ पॉड। सो ए पॉड इज लाइक अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ योर एप्लीकेशंस व्हाइल अ डिप्लॉयमेंट मैनेज मैनी पॉड्स, डिप्लॉयमेंट मेक श्योर यू हैव द राइट नंबर ऑफ पॉड्स रनिंग एंड हेल्दी, ठीक है। सो पॉड क्या है, पॉड आपके एप्लीकेशन का एक प्लेस के यूनिट है, एक कह सकते थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट क्या है, बहुत सारे पॉड्स को ये क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है, जिसके कारण कि ये चेक करता है कि आपका जो सही नंबर ऑफ पॉड्स चल रहा है या नहीं, या फिर पॉड्स हेल्दी है या नहीं, तो ये सारी चीजों बेसिकली ये श्योर करता है डिप्लॉयमेंट, गेट इट। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज अ डिप्लॉयमेंट इंश्योर द डिजायर्ड नंबर ऑफ पॉड्स आर रनिंग एंड हेल्दी। सो ए डिप्लॉयमेंट कीप्स और एन आई ऑन योर पॉड्स, इफ इट सी to few or unhealthy pods, it creates new ones to replace them, making sure you always have the right number, ठीक है। तो ऐसा है कि हर वक्त ये देखता रहता है कि पॉड सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नए पॉड्स ये बना लेता है, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है, what are rolling updates and rollbacks in the context of deployments? So, rolling updates are a way to change your application without stopping it. And rollbacks are like an undo button if something goes wrong during an update. ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो रोलिंग अपडेट क्या होता है कि आपके एप्लीकेशंस को अपग्रेड करते वक्त बंद नहीं करता है और ये धीरे धीरे बदलता है, ठीक है। और रोलबैक्स क्या होता है कि अगर किसी अपडेट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुरंत वो पिछला वर्जन रिस्टोर कर देता है, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में।
आई होप आप लोगों ने समझ लिया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि कैन यू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजी फील्ड इन अ डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिकेशन। सो दैट स्ट्रेटेजी फील्ड्स टेल Kubernetes how to do updates. It can be said to recreate. Recreate in the sense replace all pod at once or rolling updates replace them gradually. तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। बेसिकली स्ट्रेटेजी फील्ड का मतलब ये है, ये बताता है कि अपडेट्स कैसे होंगे, एक साथ सब बदलो, इट मीन्स रिक्रिएट, ठीक है, या धीरे धीरे बदलते जाओ, इट मीन्स रोलिंग अपडेट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आप लोगों ने समझ लिया कि रिक्रिएट किसको कहेंगे हम लोग, रोलिंग अपडेट्स किसको कहेंगे, ठीक है। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज बेसिकली इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्स सर्ज एंड मैक्स अनअवेलेबल फील्ड्स ड्यूरिंग रोलिंग अपडेट्स। So max surge says how many new pods can be created during an update, and max unavailable says how many old pods can be removed. It controls the अपडेट स्पीड, ठीक है। सो बेसिकली मैक्स सर्च जो होता है ये बताता है कि कितने नए पॉड्स बन सकते हैं एक साथ, और मैक्स अनअवेलेबल जो है ये बताता है कि कितने ओल्ड पॉड्स रिमूव हो सकते हैं। ये अपडेट की स्पीड को बेसिकली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई हो, ये चीजें क्लियर हो गई हो। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, ठीक है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि अब हमारे फ्यूचर वीडियोस को ना छोड़ें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।